Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Muawana Sadza ya waliden, Baraye meherbani bacche ko agle sabak se pehle pichle sabak ki revision karwaye. Today's work: Open your book of English alphabet fun A to M on page number 28. Today we will learn letter I, which is ninth letter of English alphabet and comes after letter H. Braye meherbani bacche ki tawajjo letter I ki taraf dilayein. This is a picture. Its name is I. Its sound is E. I, E. ये एक तस्वीर है, इसका नाम है आई, इसकी आवाज़ है ई, आई ई. नाउ पुट योर फिंगर ऑन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 28. इम्फाला, आई ई इम्फाला, इम्फाला, आई ई Impala. Now come on page number 38 and 39. Here additional words of letters. Baraye meherbani bacche ki tawajjo letter I and letter I ke additional words ki taraf dilayein. I, E, iguana. I, E, insect. I, E, ink. I, E, iguana. I, E, insect. I, E, ink. Iguana, insect, ink. Letter I का काम दो दिनों में मुकम्मल करना है. दोनों दिन यही लेक्चर सुने. Letter I with sound and additional words. Revise करें. अब हम लेटर आई को ट्रेस एंड राइट करना सीखेंगे. लेटर आई को ट्रेस एंड राइट करते हुए टू स्टेप्स को फॉलो करना है. दोनों स्टेप्स तस्वीर पर वाजिया हैं. पहले अपनी फिंगर की मदद से लेटर आई को ट्रेस करें. पहले रेड डॉट पे अपनी फिंगर रखें, अप टू डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनाएं. अब दूसरे रेड डॉट पे अपनी फिंगर रखें और डॉट बनाएं. अब स्टेप नंबर वन में पहले रेड डॉट पे अपनी पेंसिल की बारीक नोक रखें. पेंसिल आहिस्तगी से चलाते हुए डॉट छुपाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएं अप टू डाउनवर्ड. स्टेप नंबर टू, दूसरे रेड डॉट पे डॉट बनाएं. अब लेटर आई को लिखना सीखते हैं. लेटर आई को लिखते हुए राइटिंग पैटर्न फॉलो करें. लेटर आई मिडल वाली टू लाइंस में लिखा जाता है. इसको लिखते हुए टू स्टेप्स को फॉलो करें. दूसरी लाइन से स्टार्ट करें, अप टू डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनाएं मिडल वाली टू लाइंस में एंड डॉट बनाएं. दिस इज हाउ वी ट्रेस एंड राइट लेटर आई. पहले दिन का काम, ट्रेस लेटर आई एंड डू एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 29. सर्कल द इम्फालाज विद लेटर आई. याद रहे, लेटर आई को ट्रेस एंड राइट करते हुए राइटिंग पैटर्न फॉलो करें. दूसरे दिन का काम, कलर सैंपल I and the picture on page number 28. Allah Hafiz.